आप भी परेशान हैं, क्या आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद नहीं होती हैं, क्या समझ में नहीं आता है, फॉर्मूले कैसे याद करना है वो समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और इस पूरी वीडियो में हम आपको फॉर्मूलेज याद करने की ट्रिक, उसको समझने की ट्रिक, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, बहुत फॉर्मूले हैं, सारे को याद करना इम्पॉसिबल है विदाउट बिना ट्रिक के। और जब आपको ट्रिक मालूम होगी तो आप बड़े से बड़ा फॉर्मूला आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इसी बारे में आपसे बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे याद करना है, कैसे वैल्यूज याद करनी है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद करने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अभी मैंने थंबनेल में आपने देखा ही होगा, उस इंट्रोडक्शन मैंने दिया ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने का, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले रोज की तरह आज भी एक थॉट हो जाता है। थॉट इज दैट डोंट बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रेदर टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सफलता है, अच्छा खासा आप कमा रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ यू, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक इंसान अच्छा खासा कमाता है और अच्छा खासा कमाता है, बहुत बढ़िया कमाता है, और उसके जो बाल बच्चे हैं वो उसकी इज्जत नहीं करते उतना, तो यहां पे उसके पास सक्सेस तो है लेकिन वैल्यू उसकी नहीं है। तो अगर आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है, तो आपकी सक्सेस जरूर होगी। तो इसी थॉट के आधार से हम आज अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिप्रूफ कर लेता हूं। देखिए क्लास हाई स्कूल की जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले हम समझ लें ट्रिग्नोमेट्री होती क्या। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है तो तीन वर्ड से, लेकिन थोड़ा सा जो भी है उसको मतलब जो लास्ट में टी आर वाई हो तो ज्योमेट्री का है, इसके मतलब लाइंस और ट्रायंगल्स का खेल है, लाइंस और ट्रायंगल्स का। देखिए मेनली जो है वो है आपकी ट्रिग्नो, दूसरी है आपकी मेट्रॉन। देखिए ट्रिग्नो का मतलब होता है एंगल्स, क्या होता है एंगल्स। मेट्रॉन मतलब होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया मतलब एंगल्स का, मेट्रॉन हो गया आपका मेजर। ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम एंगल्स का मेजर समझेंगे, निकालने समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल्स का मेजर निकालेंगे समझेंगे, वह उस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे हम मैथमेटिक्स की, ट्रिग्नोमेट्री है। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। कहने मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल्स को मेजर करना सीखते हैं, उनके प्रूफ्स करना सीखते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब थोड़ा सा जो बच्चे नोट कर रहे हैं इसको नोट कर लें। चलिए नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है मेजरमेंट की, हम मेजर कैसे करते हैं। देखिए मेजर करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? सिक्स। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप दे बेटा? सिक्स। सबसे पहला होता है आपका साइन, क्या होता है बेटा आपका साइन। दूसरा होता है आपका कॉस, क्या होता है बेटा कॉस। तीसरा होता है आपका टैन, क्या होता है बेटा टैन। दूसरा चौथा होता है आपका कॉट, क्या होता है बेटा कॉट। पांचवा होता है आपका सेक, क्या होता है बेटा सेक। छठवां आपका कोस हो जाता है बेटा कोसेक, क्या होता है, इसको हम कोसेंट भी बोलते हैं, इसको कोसेकेंट भी बोलते हैं, एएनटी आगे आगे हम लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे सिक्स हो गए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब ऐसे याद करिए, थोड़ा सा एक एक वर्ड ले लेते हैं, एक एक वर्ड लेने से इसका लीजिए एस, इसका लीजिए सी ओ, इसका ले लीजिए टी, इसका ले लीजिए सी ओ टी, इसका ले लीजिए आप एस ई, इसका ले लीजिए आप सी ओ एस। अगर आप ऐसी बात करते हैं स्कॉट कॉट सेक ऑस, स्कॉट कॉट सेक ऑस, स्कॉट कॉट सेक ऑस, तो आपको हो जाएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। मुझे बेटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसा करिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब आपके छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जो बच्चे नोट कर रहे हैं उसको नोट कर लें, हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म में लिख देते हैं इनके, जो बच्चे नोट कर लें वो नोट कर लें, थोड़ा स्पीड में करिएगा नोट। ठीक, देखिए अब चलिए जिन्होंने भैया नोट वो कर लें, नहीं तो वो अभी कर लेंगे, समझ दे दूंगा। देखिए
अब अगर रेशियोज हैं तो इनके फार्मूलाज भी होंगे। मैंने कहा था, मैंने इसमें आप जैसे कहा कि बेटा बहुत फार्मूले हैं, तो सबको याद करने का ट्रिक नहीं है तो वो याद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए ये पी बी पी और एच एच बी क्या होता है, एच एच बी क्या होता है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो वो तो एक सिस्टम है, हम डाउनलोड कर समझ लेते हैं समझने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देख आपका यहां से पी से आपका मतलब, देखिए आप सिंपल समझ लीजिए, अगर एक ट्रायंगल है, मैंने क्या कहा कि मेजर करेंगे एंगल्स का, कहा करेंगे एंगल्स होगा तो जाहिर सी बात है एंगल कहां बनेंगे, कोई लाइन सिमेट्रिक होगी, किसमें होंगे ट्रायंगल, किसमें ट्रायंगल। मैंने क्या, आपने क्या बताया, आपने क्या लिखा था, ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल्स का मेजरमेंट जहां जहां होता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हम करते हैं। ये देखिए ये आपके ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल ए बी सी है आपका। देखिए अब ये एंगल है, ये मान लीजिए कितना है थीटा, कितना एंगल है बेटा ये थीटा। देखिए हमेशा समझ लीजिएगा, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर, क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। एंगल से जो सट के लगी हुई लाइन होती है, जो चिपक के लगी हुई लाइन होती है वो बेस होती है, क्या होती है बेटा बेस होती है, क्या होती है बेटा बेस होती है। और जो आप, वो तो आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, क्या होती है हाइपोटेन्यूज, क्या होती है बेटा हाइपोटेन्यूज, समझ रहे हैं आपको। तो आपका पी से यहां से मतलब है परपेंडिकुलर से, और बी से आपका मतलब है बेस से, और एच से मतलब है आपका हाइपोटेन्यूज से। और देखिए अच्छा होते हैं कि सीक्वेंस में याद करेंगे तो फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक, जितने लिखते हैं एस सी टी सी सी, समझिएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक। साइन का फॉर्मूला आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर जैसे आप देखना है कॉट का तो उल्टा लेंगे, कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक हो जाएगा बेटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बहुत सिंपल है, बस ऐसे याद कर लीजिए, अगर आपको याद होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद हो गया आपको सेकंड मेट्रिक्स को, इसको कर लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बेटा आपका P से मतलब यहां पर क्या है परपेंडिकुलर से है, B से मतलब है आपका बेस से, और S से मतलब है आपका हाइपोटेन्यूज से, किसे मतलब बेटा हाइपोटेन्यूज से। देखिए इतना बेसिक है आपका ये और इनका बेसिक, थोड़ा सा एक चीज और बची हुई है एंगल्स, क्या बेटा एंगल्स मेन इसमें फंडा किस चीज का है, एंगल्स का है। एंगल्स के आपको वैल्यू, कुछ एंगल्स के आपको वैल्यू याद करनी होगी, उनको आपको आपको केवल साइन याद करनी पड़ेगी और टैन की, बाकी की वैल्यू आप सब निकाल लेंगे, और वो एक अलग सा अलग मेथड होता है, अलग सी ट्रिक होती है, वो मैं आपको हम बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है, चल थोड़ा सा समझ आते हैं, बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बनी हुई है तीन वर्ड से, चलिए तीन वर्ड में मैंने बोल दिया, पहला है ट्रिग्नो, दूसरा है मेट्रॉन, तीसरा है ट्राई मतलब ज्योमेट्री। ठीक, ट्रिग्नो मतलब ट्राई एंगल्स मतलब तीन एंगल्स का जो मिलकर जो फिगर बना होता है ट्राइंगल्स, मेट्रॉन मतलब मेजर, क्या होता है मेजर मापना, ट्राइंगल्स को मापने का जो भी ब्रांच है वो किसमें आती है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे उनको मेजर करना है। हमने आपसे बताया कि बेटा मेनली हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो आपने कहा सर कौन से, मैंने कहा बेटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कौन कौन से बेटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे रख लीजिए। अब बात आती है सर फॉर्मूला बता दीजिए, बेटा फॉर्मूला आपके ये हो गए, देखिए फॉर्मूला याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब बात आती बेटा साइन का, तो देखिए जिस सीक्वेंस में मैंने कहा याद कर लीजिए उसी सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब सर फॉर्मूला बेटा देखिए, साइन का बेटा होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर कॉट क्या होता है सर बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सर कॉसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका बेसिक है, ये आपका क्लियर है, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में थोड़ी बहुत मतलब कठिनाई रहेगी, ज्यादा कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि मेन फंडा फॉर्मूला का है। अब देखिए
अब यहां पर इनमें से दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका एक फॉर्मूला और होता है जो आपका चैप्टर में यूज होने वाला है, वो है आपका टैन और कॉट। कौन कौन से बेटा? टैन और कॉट। ठीक है, चल थोड़ा इनका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। एक और देखिए, टैन और कॉट फॉर्मूला बात करें बेटा, टैन का तो एक फॉर्मूला होता ही है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं किसकी? थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं? थीटा की। तो जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? टैन थीटा। हम क्या लिखेंगे? टैन थीटा। बात आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टैन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लिया परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस हमारा 3 है, तो हमारा टैन थीटा जो लिखा जाएगा, जो टैन थीटा हमारा लिखा जाएगा बेटा, वो परपेंडिकुलर मतलब 2 अपॉन 3 ऐसे लिखा जाएगा। समझ आ रही बात? चलिए एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं इसका बेटा। टैन का एक फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था? कॉट का भी होता है, तो बेटा कॉट का एक और होता है, कुछ नहीं होता। टैन का क्या हो जाता है? उल्टा। क्या होता है टैन का? उल्टा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा सर टैन थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर एक और होता है, क्या क्या सर? सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बेटा हमने कहा बेटा कॉट का होता है एक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सर एक और होता है। हमने कहा बेटा आप क्या होता है? सर कॉट थीटा होता है, आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस समझिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत जो भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए, हम लिख नहीं पाते, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, क्योंकि बेटा हमारा मकसद यह है कि आपको एक अच्छा एजुकेशन ऑनलाइन मिले और आपको घर बैठे जो मिले, क्योंकि आने जाने में समय आपका समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आप ये समझिए कि 50 बच्चों की क्लास में हर बच्चे को समझाना इम्पॉसिबल होता है। थोड़ा सा मेरा फंडा अलग है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, एक एक चीज आपको पॉइंट करूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा, मैं थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आपके लिए हम करेंगे। देखिए बेटा, मैं आप ही के लिए हूं, मैं आप ही के लिए आपको पढ़ाने के लिए यहां इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, तो मेरा ये कर्तव्य है, मुझे आपको समझाना है, अच्छे से समझाना है कि आप उस चीज को भूल ना पाए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब एक फंडा और थोड़ा सा बेसिक चीज है इसकी, थोड़ा सा हम रफ कर देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं आपको चुगले, इसको जल्दी लिख लीजिएगा। यहां तक तो हो गया होगा बेटा, ये वाले आप लिख लीजिए फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले हाँ थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और चीज हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा इसमें, देखिए क्या है, ध्यान देके समझिएगा इस चीज को। अभी मैं आज आपको बेसिक बता देता हूं, और कल मैं जो है एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की क्लास 10th की, जो थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन थे जिनको करने में आपको दिक्कत हो, थोड़ा सिंपल भी बता देंगे, कठिन भी उनकी मैं पूरी पूरी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, एक और चीज आती है इनवर्सली रिलेशन। क्या होता है बेटा? इनवर्सली रिलेशन। ये रिलेशन ये बोलता है कि भैया अगल बगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो मतलब कह रहे हैं कि जो फार्मूला है, जैसे देखिए मैं आपको ये बता दूं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, क्या होगा बेटा? समझिए, कह रहे हैं कि इनवर्सली, मतलब देखिए ऐसे लिखेगा आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, यू बना लीजिए, यू देखिए क्या लिखा, यू बना लीजिए, यहां शुरू करें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस। ठीक है, ठीक है, अब बताते हैं साइन की। बेटा साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा समझिए कि साइन का अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और कॉसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो जाहिर सी बात है एक एक उसके क्या है, उल्टा है। क्या है? उल्टा है। और उल्टा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिलेशन में? इनवर्सली। किसका बेटा? इनवर्सली। आप समझिए साइन फॉर्मूला है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या है, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या है आपस में? उल्टे हैं। क्या है बेटा? उल्टे हैं। कहने मतलब है ये इसके इनवर्सली है और ये इसके इनवर्सली है और ये इसके इनवर्सली है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि बेटा साइन जो है वो 1/cosec के बराबर है, इनवर्सली है, इसके बराबर है। अगर हम ये साइन हटा दें तो इक्वल टू के हिसाब से हम बात करें तो बेटा साइन थीटा बराबर है 1/cosec थीटा के, कॉस थीटा बराबर है सर 1/sec थीटा के, टैन थीटा आपका बराबर है 1/cot थीटा के।
थोड़ा सा ये जरूरी था आपको बताना, मैंने कहा कि बेटा साइन का फॉर्मूला अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है, कोसेक का आपका हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली है, क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो उसका इसी का फॉर्मूला इसमें क्या है, उल्टा है, क्या है, तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा होगा, इस तरह कॉस थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा भी होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है। तो ये आपका बेसिक है, थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। मैंने आज क्या बताया बेटा, मैंने बताया कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन वर्सों से मिलकर बना हुआ, पहला है ट्रायंगल, दूसरा है मेटोन, तीसरा ज्योमेट्री। ट्रायंगल का मतलब जहां पे तीन एंगल का सिस्टम चलेगा वो है, और मेटोन मतलब मेजर, क्या मेजर, मतलब तीन एंगल का मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट जो होगा साइड का हो चाहे एंगल्स का हो वो हम किसमें सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिक चीजें आती हैं कि कितने रेशियोज होते हैं, तो बेटा आपको मेनली 6 रेशियोज होते हैं, कौन कौन से, सर पहला साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्या बेटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, हमने आपको फॉर्मूले बता दिए बेटा। फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो लिखिए आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। अब आपने फॉर्मूले से ये देखा कि जो साइन का है उसी का उल्टा फॉर्मूला काहे का है, कॉसेक का है, काहे का है, कॉसेक का, जाहिर सी बात है उसमें क्या है, इनवर्सली में है, क्या है, इनवर्सली में, मतलब साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा जो होगा 1 अपॉन सेक थीटा होगा, और टैन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। एक बात और कि टैन और कॉट का फॉर्मूला दो अलग अलग होते हैं, देखिए अब टैन का साइन अपॉन कॉस है और कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन, कहां से हुआ है, यहीं से हुआ है, मैंने यहां रखा कि बेटा टैन साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉट, तो बेटा ये उल्टा चला गया, तो ये भी किधर चला गया, उलट गया, तो ये कॉस अपॉन साइन हो गया, मतलब टैन थीटा फॉर्मूला का होता है क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आ गया है, ना समझ में आया हो तो वीडियो शुरुआत से देखिए, एक एक चीज क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ रही है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हमारा टारगेट यही है कि अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में आए, क्योंकि नॉलेज है तो आपके नंबर है, और नॉलेज नहीं है तो नंबर नहीं है। अगर नॉलेज अच्छी है, अगर एक दो नंबर आपके कम भी आते तो आपको इतना नुकसान होता कि नहीं यार मुझे आता था, मैंने थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी इसलिए मेरा गलत हो गया, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए। देखिए एक एक चीज, अगर आपका बेस क्लियर है तो जैसे आप समझते हैं अगर न्यू मजबूत है तो मकान खड़ा करने में समय लगता है और हम बहुत दिनों तक खड़ा रहता है, उसी तरह अगर आपका बेस क्लियर है तो आपकी आने वाली जो स्टडी हो आसान हो जाएगी, समझ में आएगी। अगर आपको जो भी दिक्कत होगी सर थोड़ा सा आप और समय दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको, तो बेटा आप कमेंट जरूर बताइए, और बाकी जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको आने वाली जो वीडियो होगी वो हम जल्द जल्द लेके आएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज और जो भी मेरे बच्चे हैं मुझे पता है मेरे अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो वो ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जो भी डाउट रहेंगे वो हम सबसे क्लियर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए तो स्टूडेंट्स फिर चलते हैं, हम मिलते हैं आने वाले वीडियो में, नमस्कार।